तो गाइस आज मैं ज्वाइन करता हूँ प्रिजन एसएमपी सर्वर, जिसके अंदर मेरे को मिलता है एक डेडलीस्ट एनिमी, और वही एनिमी इस सर्वर का सबसे ज्यादा रिचेस्ट और ओवर पावर्ड प्लेयर होता है। तो क्या मैं इस एनिमी को डिफीट कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। हाँ यार, आजकल आप लोग वीडियो एंड तक देखते ही नहीं हो यार, बहुत कमाल की वीडियोस होती है यार, पूरी एंड तक देखा करो। एंड हाँ यार, आजकल आप लोग लाइक ही नहीं करते हो यार, और लाइक का बटन दबता ही नहीं है। आज की वीडियो का लाइक है मैं 40,000 लाइक्स भाई, आज 40,000 लाइक्स हो ही जाने चाहिए। एंड हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन रीच करना है हमें। एंड हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। ओके, तो अभी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ प्रिजन एसएमपी सर्वर के अंदर। एंड ओके, तो जैसा कि आपको पता था लास्ट एपिसोड में मैंने चुराया था एक गॉड आर्मर डीआरके के सीक्रेट बेस से, उसको पता नहीं है ये, ठीक है कोई बताना मत। हाँ, तो भाई ये आर्मर देख रहे हो, प्रोटेक्शन 7 विथ अनब्रेकेबल, यार मतलब ये आर्मर कितना भी तोड़ो कितना भी मारो कभी नहीं टूटेगा। और ये आर्मर में अगर तुम्हारे पास शार्पनेस 5 है ना, तो भी तुम ये आर्मर को डैमेज नहीं कर पाओगे। सोचो यार, मैं अभी इस एसएमपी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बन चुका हूँ यार। हाँ, मेरे को जो है अभी एक हो बनानी है, ताकि जो है मैं थोड़ा सा हेबल्स वगैरह यहाँ से उठा लूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मेरे को जितने भी हेबल्स दिख रहे हैं उन सारी हेबल्स को भी फटाफट से कलेक्ट कर लेना होगा यार। आजकल पता है भूख बहुत लगती है, और पता है ये एसएमपी के अंदर एक भी फार्म नहीं बनाया अभी तक यार, ये बात ना मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैं बताऊंगा यार। तो अभी इतने ओपी आर्मर के कारण यार मेरे को लगता है कि किंग भी मेरे को डिफीट नहीं कर सकता है। तो किंग को लगता है कि अभी वो राजा है, बट यार मैं चाहूँ ना तो मैं उसको मार के पूरी एसएमपी हथिया सकता हूँ। बट एक मेरे पास डिसएडवांटेज है कि मेरे पास यार स्वॉर्ड सिर्फ एक प्लेन डायमंड की है, जो कि मैंने स्ट्रीम पे एंड करी थी, आप सबको पता ही होगा। तो हाँ, अभी यही सीन है मेरे साथ। एंड हाँ, अभी मेरे पास टूल्स एकदम बेकार टूल्स पड़े मेरे पास, मतलब एकदम यूजलेस। एंड ओके, डीआरके का कासर है, चलो डीआरके से मिलके आते हैं अभी। यू नो, राजा से थोड़ी से जान पहचान होगी, तो समझ रहे हो, थोड़ा सा समझ रहे हो। तो चलो राजा के पास चलते हैं, खेल रहा है क्या राजा भाई? अरे ये रहा, चलो कासल में ही है। अरे भाई, डीआरके के रूल्स फॉलो करता है। अंदर आ सकता हूँ मैं डीआरके? मैं युग आ सकता हूँ क्या अंदर? आ जा। हाँ, डीआरके क्या हुआ, परेशान दिख रहा है? अरे यार यार, क्या बताऊँ यार, अभी बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ, पता नहीं यार तुझे बताना सही। एक मिनट, वो टेबल नेदराइट का आर्मर कहाँ से आया? अरे भाई, तू जानता नहीं है कि हम 5 दिन से सर्वर में 24 घंटे खेल रहा हूँ यार, ग्राइंड किया है। पक्का ना? हाँ भाई, पक्का ग्राइंड ही किया है, क्योंकि एक्चुअली में जिस बात से मैं परेशान हूँ ना, वो नेदराइट का आर्मर ही है। हैं, तेरे पास नेदराइट का आर्मर जो एक है, उसके अलावा तेरे पास तो है ही नहीं, तो दिक्कत। हाँ, जो मैंने रख रखा था अपनी सेफ्टी के लिए एक और। अच्छा हाँ, तो उसका क्या हुआ? वो चोरी हो गया कल। क्या बात कर रहा है, तो अरेस्ट कर वंश को, और क्या? अरे मुझे पता नहीं ना किसने चुराया, जब मैं यहाँ से बाहर गया था। अच्छा, तेरे पास प्रूफ नहीं है? नहीं है। ओ यार, देख भाई, मेरे पे तो शक करना ही मत, क्योंकि तू भी जानता है 5 दिन से मैं लगातार खेल रहा हूँ, मैं नेदर में गया हूँ भाई, इसलिए मैंने क्या कहते हैं नेदराइट का आर्मर बनाया है। और तू ऐसा मत बोल भाई, मेरे पे तो शक करना ही मत यार, इतनी मुश्किल से आर्मर बनाया है भाई, सारी मेहनत बेकार जाएगी यार जब राजा ही शक करेगा तुम पे। देख, अगर मैंने सच्ची में तेरा आर्मर चुराया होता तो मैं तेरा दोस्त क्यों होता? देख, क्योंकि मैं जानता हूँ तू अब अच्छा बन चुका है, तू अच्छे रूल्स बनाता है, मेरे पे क्यों शक कर रहे है? चल ठीक है, मैं अभी समझ नहीं आ रहा यार, दिमाग। चल, मैं तेरी चोर को ढूंढने में तेरी पूरी हेल्प करूंगा। हेल्प कर क्या, निकाल के लाना आर्मर। चल ठीक है, ये भी, बदले में क्या देगा? ये कितने? 12। 12 नहीं यार, ये इससे क्या होता है यार, मजा नहीं आएगा यार। एक काम कर, एक स्टैक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल दे। मैं सजा दे दूंगा, एक स्टैक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। एक स्टैक नहीं, इतनी। डीआरके ठीक है, नहीं देगा, कोई बात नहीं, छोड़, में चलता है यार, तू तो भाई भरोसा ही उठ गया। नहीं, अरे यार तू बुरा मान गया, रुक एक जगह, रुक जल्दी रुक। हाँ देगा। यार अकेले कहाँ से ढूंढूंगा, बट यार एक स्टैक यार थोड़ा सा हाफ कर लेना थोड़ा। ठीक है चल, 32 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। 30 बस, उससे ऊपर नहीं। 32 नहीं, 30 देख, तो अकेले ढूंढ नहीं पाएगा चोर को। और सुन, थोड़ा सा प्रमोशन कर दियो मेरा, ठीक है यार? हाँ कर दूंगा। अरे थैंक यू, अरे 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 भाई, एडवांस दे दिया, अरे भाई की चौड़े, एडवांस में एक ही दिया।
एक ही दे दूंगा ए, 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 एक, एक और दे दे भाई, एक और मेरे को अभी जरूरत है ना, काम के बाद, काम के बाद। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूँ राजा जी। ठीक है, शुक्रिया। चलो ओके। तो अभी मैं वीसी से डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, बट यार आपने देखा ये डीआरके को तो क्या उल्लू बनाया मैंने भाई। एक तो उसका ही आर्मर चोरी किया, और मैंने उसको यार शिट यार वादा भी कर दिया कि मैं उसको आर्मर लाके दे दूंगा, बट यार वो क्या जाने उसका आर्मर मैंने ही पहन रखा है। तो अगर अब मैं उसको आर्मर दिलाने जाऊँ दूसरा, तो भी मैं नहीं दिला पाऊंगा। तो मतलब यार मैं दोनों जगह से फंस चुका हूँ यार। अब मेरे को ना सेम डुप्लीकेट ये आर्मर का कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ये सेम टू सेम डुप्लीकेट आर्मर मेरे को कहाँ से ही मिलेगा यार। सर्वर में कौन कौन, ओ वेट, कुणाल, कुणाल आज खेल रहा है सर्वर में। अरे वाह, बड़े दिन बाद आया, चलो कुणाल से मिल के आते हैं। एक सेकंड उसको कॉल लगाता हूँ। हेलो कुणाल। हेलो। अरे भाई तू खेल रहा है प्रिजन से भी इतने टाइम बाद? तू नहीं खेलना था? अरे लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? मेरे पास आना तब पता चलेगा ना। का है तू? एक सेकंड, ये आर्मर कहाँ से आया? तू तो अभी अभी आया। अरे तेरे पास आर्मर कैसे आया? अरे ग्राइंड किया भाई। इतनी जल्दी? तो तूने भी इतनी जल्दी किया है ना। अरे तो वो बात अलग है ना, मैं तो 5 दिन से लगातार ऑनलाइन हूँ भाई, अभी तक सर्वर को भाई 200 दिन भी नहीं हुए। अरे यार तू भी क्या, देख मैं तेरे को सच्चाई बता देता हूँ, प्रोटेक्शन 1 का है यार। अब मेरे पास एक्सपी लेवल्स नहीं थे। तेरे पास क्या लगा है आर्मर में भाई? मेरे को पता है तेरे पास प्रोटेक्शन 7 है, मेरे पास 12 है, पता है तेरे को? 12 है तेरे पास? और क्या। अरे यार बढ़िया यार। सुन यार मैं तेरे को सेवन क्या है भाई, ये स्वॉर्ड में तो क्या ही होगा, इसका डैमेज देख। अरे भाई मेरा मेरा हाफ आर्ट कैसे गया बे? तेको डैमेज हो रहा है क्या? तेको डैमेज हो रहा है क्या? हाँ हो ही रहा है, तेरी 10 हिट पे आधा हार्ट तो मिल ही जा रहा है भाई। क्या बात कर रहा है सही में? और क्या के भाई, मेरे को भी बता ना ये स्कीम भी भाई कैसे लाते हैं ऐसा आर्मर भाई। भाई ये स्कीम सबको नहीं मिलती ठीक है। अरे ऐसा 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 क्या कर रहा है यार, इतना क्या भाव कर रहा है? अरे भाई आर्मर कैसे ना खाऊं भाव, मार रहे तू? अरे भाई तेरे को कहां डैमेज? अरे 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 सर जी मेरे को, तेरे को कहां डैमेज पड़ने वाला है? डैमेज की भाई डिसरिस्पेक्ट होती है ये। अच्छा ओ ये क्या है जो तू देख रहा है? अभी तेरे को कैसे मिला? जलवा है हमारा, बताएगा? पहले तू बता, पहले तू बता तेरे को कैसे मिला। भाई मार दूंगा, इधर दे दे। नहीं दिया तो कितना है क्या? मैं तेरे को गोल्डन एप्पल दूंगा एन्चेंटेड वाला, तू बदले में आर्मर देगा? क्या बोल रहा है तू? पूरा आर्मर दे, मैं तेरे को 5 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल दे दूंगा। इसकी तबीयत खराब है क्या युक्की, पागल है क्या यार? माना कि यार एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल होता है मस्त, लेकिन नहीं चाहिए यार अब। पसंद है ना तेरे को एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल? भाई आर्मर यार, आर्मर बहुत कीमती यार मेरा। चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं तेरे को अच्छी डील दिलाऊंगा ठीक है। एक स्टैक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल लेगा? एक स्टैक बहुत सही डील है, बदले में कुछ नहीं मांगूंगा तेरे से ठीक है। तो बस 24 घंटे इंतजार कर, मैं इसी जगह पे वापस मिलूंगा तेरे को, और मैं तेरे को दे दूंगा ठीक है। ठीक है अभी देगा? अभी नहीं, अभी थोड़ा सा ये स्कीम का जुगाड़ करने जाना है। ओ भाई स्कीम, हां ठीक है, यहां पे घूमते रहना ठीक है। मैं जुगाड़ करके आया ठीक है, मैं मिलूंगा 24 घंटे बाद, मैं इसी जगह पे मिलूंगा ठीक है। हाँ याद से आ जाइयो ठीक है, डील कर लिया अपन को। चलो यार गाइस, कुणाल को तो क्या ही सही में मैंने ट्रोल किया है, बट यार आप सोच रहे होगे कि यार मैं कुणाल को सही में इतने एप्पल देने वाला हूँ? नहीं भाई ये बात नहीं है। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं ना एक ट्रैप बनाने वाला हूँ, क्योंकि ना मैंने एक रिसेंटली ऐसा ट्रैप देखा है कि जिससे ना कि मैं कोई भी बंदे को लिटरली उसके पास कुछ भी ना हो मैं उसको इजीली मार सकता हूँ। यानी कि अगर कुणाल ना प्रोटेक्शन 69,000 भी लगा लेना फिर भी मैं उसको इजीली मार पाऊंगा। वैसे ना ये ट्रैप बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत कम लोगों को पता है ठीक है। तो आप लोगों को ट्रैप जानने को मिल रहा है, वीडियो को लाइक कर दो। ओके तो मैं अभी ऑलमोस्ट ओके भाई पहुंच भी गया, देखा यार अभी ओके। तो पूरा एक दिन लगा क्योंकि यार ये बायोम बहुत ही ज़्यादा दूर है और इसको सिर्फ मैंने डिस्कवर किया है। तो यहाँ पे आपको ना रेडीमेड बहुत सारे क्या कहते हैं स्नो बकेट मिल जाएगी। तो चलो फटाफट से ना मैं बहुत सारी ना बकेट्स बनाने वाला हूँ, आप भाई बस देखते जाओ मैं ऐसा तो कैसा तगड़ा ट्रैप बनाता हूँ भाई, देखते जाना। ऐसा ट्रैप किसी ने नहीं बनाया होगा समझ रहे हो। ओके 15 बकेट आ चुकी है मेरे पास, सारी की सारी बकेट में मेरे को भरना होगा अभी। तो उसके लिए यार मेरे को इन्वेंट्री में खाली जगह करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें है ना जो अभी मेरे काम की नहीं है उसको मैं जो है फेंक ही देता हूँ यार, अब क्या ही कर सकते हैं ना। चलो इतनी जगह काफ़ी है, चलो ठीक है इतनी जगह काफ़ी है। अभी देखते कहाँ पे होगी स्नो बकेट, देखते कहाँ पे होगी पाउडर स्नो, यहीं पे कहीं पे होगा। ओके ये रहा
ले लेते जितना होता है। अरे अरे मैं खुद ही फंसने वाला था इसमें। एंड मेरे को ना एक बकेट और बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को लगता है ना इतना पाउडर स्नो शायद कम पड़ सकता है उस चीज़ के लिए, तो है ना इमरजेंसी के लिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। ओके डन। ओके तो गाइस अभी के लिए ना इतना गड्ढा काफी। एंड आप भाई साहब जस्ट देखो यार, ऑलमोस्ट मैंने ना एक चंक जितना गड्ढा कर दिया है। एक चंक तो नहीं होगा बट ऑलमोस्ट उतना है। तो अभी ना ये ट्रैप ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो आप लोग बस देखते जाओ। तो गाइस पूरे के पूरे एक घंटे की मेहनत के बाद अभी मेरा पूरा का पूरा ट्रैप बन चुका है। तो अभी मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, बट मैं जाऊँगा तो मैं भी मर जाऊँगा। तो अभी आप लोग इसको ऑन द स्पॉट ही देख लेना, जब लाइक मैं इसके अंदर कुणाल को फंसा के मारूंगा तब। तो अभी के लिए क्या करते हैं, मेरे पास जो भी पाउडर स्नो बचा है ना उसको यहाँ पे रहने देते हैं। एंड मैं ऐसे जा सकता हूँ। ओके भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अच्छा ये जो कॉबल स्टोन है ना ये मैंने क्यों प्लेस किया है सब कुछ आपको बताता हूँ। ओके हेलो कुणाल ब्रो, मैं आ चुका हूँ वापस। 24 घंटे पूरे। हेलो हाँ मैं आ चुका हूँ। 24 घंटे बोला था, दो दिन हो गए अभी। अरे थोड़ा सा टाइम लग जाता है यार, बड़ी स्कीम है ना, तू तो समझता है भाई। 64 मतलब एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल छोटी चीज तो है नहीं। हाँ चल रेडी है मेरे पास, ये देख आ चुके हैं पूरे 64 है। बट तेरे को ना इसके लिए एक छोटा सा काम करना है, तेरे को कुछ नहीं देना है मेरे को, बस तेरे को ना मेरे को फॉलो करना है। तेरे को स्कीम जाननी है हाँ, तो तू मेरे को फॉलो करना, क्या कहते हैं, इससे तेरे को पता चलेगा कि लाइक मैंने कैसे लिया, तो तू भी लाइक फ्यूचर में ले सकते हैं। ठीक है ठीक है, कहाँ पर है? अरे मेरे पीछे आ। हाँ आते रहे मैं तेरे को एक बंदे से मिलाता हूँ जो तेरे को इससे लाइक ये डील देगा बट इससे भी अच्छी, समझ रहे। अगर तूने बंदे को मेरे को मारने के लिए रखा होगा ना फिर भी कोई टेंशन नहीं, उसको भी मार दूंगा। अरे हाँ भाई मैं जानता हूँ ना तेरे पास यार कितना तगड़ा आर्मर है भाई, तू तो जानता है तेरे को कोई मार नहीं सकता है भाई। क्या यार डरता क्या है ब्रो, चल। A few moments later. भाई योग भाई कितनी देर हो गई यार, कितना दूर है ये तो बता दे। अरे बस आ ही गया, ये जो देख रहा है तू फ्लावर्स बस वहाँ पे ही है। ये रहा। एक सेकंड यहाँ पे खड़ा रहे भाई, बहुत खतरनाक स्कीम है। ठीक है तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रास है। ए कुछ करना मत, ठीक है, बहुत खतरनाक स्कीम है। अरे मेरी बात तो सुन भाई, ये ट्रैप भी हो सकता है। मैं ट्रैप नहीं है, रुकना, अगर तू कुछ करेगा ना देख ले तो अपने गोल्डन एप्पल्स गवा देगा। ठीक है नहीं ट्रैप तो नहीं। ओ भाई मेरे को बच गया मैं शायद। ओ भाई नहीं, ओ भाई साहब, ओ भाई क्या कर रहे हैं अंदर। ओके भाई मेरी हेल्थ तो नहीं जा रही लेकिन मैं स्टक हो गया इधर बेटा। जाएगी आधी हेल्थ गई, जाएगी बेटा सारी हेल्थ जाएगी तेरी। ओ भाई साहब कुणाल मजा आया, बस तू मरेगा फिर तो अपना आर्मर ड्रॉप करके जाएगा। ये था तेरा एक्स्ट्रा भाई सरप्राइज, ये था। कैसी लगी स्कीम? अरे भाई साहब क्या करेगा ब्रो, तू कोई भी ब्लॉक ही नहीं प्लेस कर पाएगा ब्रो, तेरे को उसके लिए शिफ्ट होना पड़ेगा, शिफ्ट होएगा तो तू और तेजी से मरेगा ब्रो। और यहाँ पे हर जगह क्राफ्टिंग टेबल है, मतलब तेरा निकलने का कोई भी चांस नहीं बनता है भाई। चले गए मेरे दो हार्ट, चले गए भाई। क्यों कर रहे, नहीं चाहिए गोल्डन एप्पल, चल निकालना ना। अब तो तेरा बेटा आर्मर मेरे को लेना पड़ेगा भाई, देख ले फिर। अब क्या देख ले भाई, क्या देख ले है, क्या करेगा तू बेटा, आराम से मर तू। ठीक है मैं तेरा वेट करता हूँ, आराम से मर तू। ठीक है मैं निकाल ना। ओ भाई कुणाल ऑलमोस्ट मरने आया होगा तू, उसके बाद तेरा पूरा आर्मर मेरा और मैं डीआरके को वो आर्मर चुका दूंगा एंड मेरे पास आएंगे। ओ डन, ओ पी गाइस डिड इट मैन, कुणाल तेरा आर्मर कम में आया तेरे को नहीं ना, इतने तगड़े आर्मर की क्या जरूरत बे है। आया मजा कुणाल, इतने प्यारे तरीके से मारा है ना तेरे को आज तो भाई साहब। कुणाल ब्रो यार तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता ना तो तेरे को पता चलता कि ब्रो तू वाटर बकेट प्लेस कर सकता है, समझा? मेरे पास वाटर बकेट थी भी क्या भाई, 64 ब्लॉक ऑफ डायमंड है तेरे पास भाई, कितना रिच है बे तू। लेके चलता रहता हूं, अरे इतना तो मैं चल यार छोड़ यार अब क्या ही बोलूं। है तेरे पास तो प्रोटेक्शन 7 है। हाँ तो यार ज्यादा बताना पड़ता है यार साले, मतलब तूने स्कैम किया। तेरे को क्या लगा मेरे पे प्रोटेक्शन 12 है? मेरे को ऐसा देखना एक बार,
अरे भाई स्वॉर्ड दे यार वापस वापस दे दे, तेरे को नहीं मिलेगा सॉरी गाइस। तो यार पुराना आर्मर भी मेरे पास पूरा आ चुका है जो कि मैं डीआरके को लौटाने वाला हूँ। तो यार कुणाल को मार के मेरे को उसका थोड़ा सा तगड़ा आर्मर मिल चुका है जिसमें यार अनब्रेकिंग मेंडिंग भाई सब कुछ लगा हुआ है। क्या क्या लगा है? हाँ मेंडिंग भी लगी है यार। मतलब भाई अब मैं बन चुका हूँ एसएमपी का गॉडेस्ट, तभी मैं बन चुका हूँ एसएमपी का गॉड प्लेयर। और मैंने डीआरके का जो है चोरी किया हुआ सामान भी चुका दूंगा मैं उसको, ताकि यार मैं उसको बता सकूँ कि ब्रो देख मैं तेरे चोर को पकड़ा और उसका सामान ले आया। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।